17 किलोवाट। अच्छा 2000 है ना आपका? हाँ जी, 2000 मैक्सिमम मिल रही है। ये मैक्सिमम 2 मेगावाट का, यानी कि 2000 किलोवाट का, तो आज 1700 मिल रही है। बहुत अच्छी पावर मिल रही है, मतलब ये इन्वर्टर का आउटपुट ये दिखा रहे हैं आप ना। और ये डेली की हो गई। अच्छा, पूरे दिन में आपने कितनी जनरेट की है? इतनी हो गई। कितने यूनिट बनाए आपने? फिर शाम को चेक करेंगे। कब से है, कितने बजे से? आज मॉर्निंग से है? मॉर्निंग में हो जाता है सुबह 6:30 बजे का। तो मॉर्निंग से 6:30 से अभी तक कितना यूनिट बन चुका है? अभी तक ये बन गया 4500। और शाम तक कितने? शाम को जब बंद हो जाएगा ये, तो आज तो मेरे हिसाब से बन जाएगी तो 15,000। अच्छा, आज 15,000 यूनिट बन जाएगा, 15,000 किलोवाट आवर बन जाएगा। और दिल्ली वैसे मौसम मतलब थोड़ा बादल वाला भी रही, इसमें तो 9,000-10,000 आ गया। और ये आपकी ग्रिप की आ रही है। डीसी वोल्टेज आपके नीचे से। अच्छा, नीचे से वोल्टेज आ रही है, ये 1000 कम ज़्यादा। ठीक है, और ये करंट आ रहा है आपका 1400 करंट, मतलब 1392 करंट आ रहा है, अप डाउन होता रहेगा। ठीक है, ये आपका सही चल रहा है तो ये ग्रीन चलती रहेगी, कोई दिक्कत इसमें या फिर ओवर हीट, गर्मियों में ओवर हीट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आपकी ये चल पड़ेगी साथ, तो आपको इसको रेस्ट देनी पड़ेगी, ये स्काडा में भी दिखता है। अदरवाइज सब कुछ दिखता है, अभी नहीं चल रहा तो आपको यहाँ आके बराबर चेक करना पड़ता होगा। हाँ जी, और ये फॉल्ट भी है, अगर कोई दिक्कत हो जाएगी। वार्निंग का है कि अगर आपकी डीसी फील्ड में कोई टेबल जो है वो आठ लीकेज करेगा तो इन्वर्टर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो ये आपको ये वार्निंग दिखाएगा, फिर आप अंदर जाएंगे। ये थोड़ा टेक्निकल में आ गया, मतलब ये तो इंजीनियर करते हैं, पर हमने देख रखा है ना, तो आपने पैरामीटर में चेक करना है। पैरामीटर में जाएंगे आप, ओके करेंगे और यहाँ पे कंप्लीट लिस्ट आएगी, तो ये उसके हिसाब से जो यहाँ पे फॉल्ट भी शो करेगा।